Hello students, so we have already completed self-induction, mutual induction, yes or no? आज और एक important topic देखने वाले हैं, that is grouping of inductors, okay? Or you can say grouping of inductances. Now देखो, जो coil होता है ना, जो हम लोगों को ऐसे जो coil मिलता है, इसी कॉइल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी कॉइल को हम लोग एक इंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या हम लोगों ने ये कॉइल के रेस्पेक्ट में क्या पढ़ा था, इंडक्टेंस, ओके? तो जैसे रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है, तो इसी टू टर्मिनल कॉइल को हम लोग इंडक्टर भी बोल रहे हैं, जहां पे हम लोगों को क्या मिला, इंडक्टेंस, ये सुनो, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. नाउ ग्रुपिंग में हम लोग जैसे हमेशा दो तरह का ग्रुपिंग करते हैं, सिमिलरली यहां पे भी दो तरह का ही ग्रुपिंग होगा. एक हो गया सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा होगा हम लोग का पैरेलल ग्रुपिंग. नाउ यहां पे जो सीरीज ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग में दो केस आएगा, दो पार्ट आएगा, ओके? तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने यहां पे एक हम लोगों ने यहां पे एक इंडक्टर ले लिया, ओके? और इसी के साथ हम लोगों ने यहां पे और एक इंडक्टर को ज्वाइन कर दिया. दैट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो इंडक्टर को एक दूसरे के साथ यहां पे कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ओके? नाउ पकड़ लो, इस वाले इंडक्टर से हम लोगों ने करंट भेजा एक आई, तो ये करंट जाएगा 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 यहां से ऐसे आया, फिर ये करंट यहां से भी ऐसे गया और ऐसे जाएगा 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 और ये करंट यहां पे ऐसे आ गया. नाउ ये जो कॉइल है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हम लोगों ने ले लिया E1, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हम लोगों ने ले लिया E2. सिमिलरली इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने ले लिया L1 और इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने ले लिया L2. नाउ यहां पे देखो, हाँ ये जो कॉयल है इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, सिमिलरली इस कॉयल में भी करंट का डायरेक्शन ऐसा है, जबकि दोनों कॉयल में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, सॉरी दोनों कॉयल में जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो ये हो गया पहला केस, व्हेन करंट इन बोथ कॉइल आर फ्लोइंग इन द सेम सेंस, आर फ्लोइंग इन द सेम सेंस. सेम सेंस मतलब क्या हो गया, दोनों कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है कि नहीं, ओके? So series combination of two inductors where current are flowing in the same direction with respect to both the coil, that means the direction of current is in the same sense, okay? Both the inductors have inductances L1 and L2, and the EMF induced in the first inductor is E1 and in the second inductor is E2. The current flowing through both the inductor are I. क्योंकि series में connection है तो same current flow हो रहा है और same direction में भी flow हो रहा है दोनों coil में, okay? तो ये हो गया आप लोग का diagram. ठीक है, कैसे लिखना है मालूम पड़ा. नाउ इन सीरीज द ईएमएफ इंड्यूस गेट्स एडेड. सीरीज में जो दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, वो एड हो जाएगा. सो जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ ई इक्विवेलेंट, वो इक्वल टू क्या होगा, E1 plus E2. ठीक है, मतलब ये दोनों कॉइल का जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, ई इक्विवेलेंट. ठीक है, ई इक्विवेलेंट बोलो या एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बोलो, ठीक है, मैं ई बोल रहा हूं. नाउ ऑल्सो वी नो दैट देखो, हाँ जब ये कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ठीक है, इसका खुद
का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा और इस कॉइल के वजह से इसमें कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, है कि नहीं। सिमिलरली ये कॉइल का भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा और इसके वजह से इसमें भी कुछ ईएमएफ डेवलप होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, है कि नहीं। नाउ वी नो दैट जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई वन कैन आई राइट माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही होता है ना। सिमिलरली व्हाट विल बी ई टू, ये होगा एल वन माइनस एल टू डी आई बाई डी टी, है कि नहीं। करंट सेम रहेगा क्योंकि करंट यहां पे सेम है, आई वन आई टू नहीं है, ओके और साथ ही साथ ये दोनों कॉइल की वजह से क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो माइनस एम डी आई बाई डी टी, यहां पे भी क्या आएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। देखो दोनों में माइनस क्यों है तुम लोगों को मालूम है, जो इंडक्शन जब होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इट ऑलवेज अपोजिट द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज इंड्यूस, ये सुनो। तो यहां पे हम लोग इंडक्शन में जो हम लोग सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मिलता है उसमें हमेशा एक माइनस मिलता है, तो यहां पे दोनों में माइनस आएगा। सॉरी ना, सो यू कैन राइट द नेगेटिव साइन थ्रू आउट इंडिकेट्स दैट और द नेगेटिव साइन इन टोटल इंडिकेट्स दैट बोथ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ आर अपोजिंग द अप्लाइड ईएमएफ, ओके। तो ये नेगेटिव साइन वही ऑपोजिशन को समझा रहा है। नाउ देखो, अगर ई वन ये हो रहा है और ई टू ये हो रहा है, नाउ देखो जैसे यहां पे ई वन मिला ई टू मिला, वैसे ही अगर ई इक्विवेलेंट लिखोगे तो ई इक्विवेलेंट के लिए ना सिर्फ इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्शन आएगा। देखो यहां पे हम लोग का सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग लेना एल वन एंड एल टू, तो इसका एक इक्विवेलेंट यहां पे आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो तो विथ रेस्पेक्ट टू दोनों कॉइल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, यहाँ पे एम वन एम टू नहीं लिखा हुआ है कि नहीं। विथ रेस्पेक्ट टू हम लोगों ने दोनों कॉइल यहाँ पे एक कॉमन लिखा हुआ है एम से म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा उसमें सिर्फ माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, ओके। सो देयरफॉर हम लोग को ऑलरेडी ये इक्वेशन मिला था, अगर हम लोग इसकी इक्वेशन वन दे दे तो इक्वेशन वन से हम लोग को क्या मिलेगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, तो ई इक्विवेलेंट में क्या मिला, एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, और यहां पे क्या आएगा, ठीक है। मैं ये दोनों इक्वेशन का दोनों लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले ले रहा हूं, यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो डी आई बाई डी टी, तो यहां पे आ गया डी आई बाई डी टी माइनस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल वन प्लस एल टू, है कि नहीं। और इसी को अगर डी आई बाई डी टी टोटल कॉमन लोगे तो यहां पे माइनस ले लिया ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस एम प्लस एम, दैट मीन्स प्लस ट्वाइस एम, देखो कॉमन लेने से ही बचेगा, तो डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी माइनस माइनस कैंसिल। So L equivalent equals to L1 plus L2 minus 2M. ये हो गया equation for series combination of inductor when current is flowing with respect to the same sense. Okay? चलो इसको copy कर लो फटाफट। Okay? So next हम लोग देखते हैं case 2. तो केस वन में क्या था, करंट फ्लोइंग इन बोथ द कॉइल आर इन द सेम सेंस, मतलब सेम डायरेक्शन। हियर करंट फ्लोइंग इन बोथ द कॉइल आर ऑफ ऑपोजिट सेंस, ऑपोजिट सेंस मतलब देखो ये हो गया हम लोग का पहला कॉइल, पहला इंडक्टर, इसको अभी हम लोगों ने ऐसे ले लिया, और इसको ऐसे ले दिया, ओके। मतलब कि ये कॉइल को हम लोगों ने यहां पे लाके फिर इसको ऐसे ले जाके फिर ऐसे ले आए, तो यहां से अगर करंट जाएगा आई, तो करंट ऐसे गया, यहां से फ्लो हुआ, फिर यहां से जाएगा ऐसे, फिर यहां से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहां से
ऐसे, ये होगा करंट का डायरेक्शन। अभी देखो तो दोनों जो कॉयल है, दोनों कॉयल में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू इच अदर है कि नहीं? ऑब्वियसली है कि नहीं? इस इंडक्टर में से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस इंडक्टर में से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है? सो इन बोथ द केसेस करंट आर ऑफ ऑपोजिट सेंस। तो यहां पे अगर हम लोग ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे लाइंस बना रहे हैं, तो यहां पे जो लाइंस बनेगा, जो डायरेक्शन देंगे वो ऐसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस L1, L2, करंट सेम जा रहा है क्योंकि सीरीज है I एंड I, ओके? सो नाउ अभी इसमें बात समझो। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो तो है, पहले वाले में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो क्या कर रहा था, जो अप्लाइड ईएमएफ था उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा था, ओपोज कर रहा था, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हम लोग को नेगेटिव साइन दिया। यहां पे ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द कॉइल्स, ओके, इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। अभी तो डायरेक्शन करंट का चेंज हो गया ना, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। सो हियर द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। पिछले वाले में नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव लिखना है, ओके? सो देयरफॉर ई वन इक्वल टू माइनस एल वन डी आई बाई डी टी प्लस एम। सिमिलरली ई टू माइनस एल टू डी आई बाई डी टी प्लस एम। सो देयरफॉर वी नो दैट ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस E2, यहां पे कितना आएगा, माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, और यहां पे अभी अगर कॉमन लोगे ठीक है तो माइनस डी आई बाई डी टी कॉमन आ गया, विदिन ब्रैकेट क्या आएगा, एल वन प्लस एल टू। अभी ये प्लस यहां पे माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू एम। सो दिस कैंसल, सो देयरफॉर एल इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, एल वन प्लस एल टू माइनस Twice m, ये हो गया इक्वेशन। रिमेंबर व्हाट इज द रीजन यू विल राइट दैट m इज टेकन टू बी पॉजिटिव, हियर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ, नॉट अपोजिट टू इट, ओके? चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट, ओके? जब ये फील्ड लाइन्स बनाओगे ना तो इसका डायरेक्शन अच्छे से देखना, डायरेक्शन अगर गलत बनाओगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। So we are done with series combination, series grouping. Now let us see parallel grouping. So parallel grouping में, okay? तो हम लोगों ने क्या किया, दो इंडक्टर ले लिया और दोनों इंडक्टर को क्या किया, parallelly connect कर दिया। दोनों इंडक्टर को हम लोगों ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ओके? नाउ इसमें से करंट जा रहा है आई, ये करंट यहां पे डिवाइड हो गया, तो इस तरफ से चला गया करंट आई वन और इस तरफ से चला गया करंट आई टू, ओके? तो यहां से भी क्या करंट आएगा, यहां आएगा आई वन और यहां से करंट जाएगा आई टू, ये दोनों फिर यहां पे एड अप होके टोटल करंट हो जाएगा आई, ओके? इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया एल वन, इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया L2, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ सीरीज में क्या होता था, देखो सीरीज में ईएमएफ जो था ठीक है वो ऐड हो जाता था, इसमें पैरेलल में जो करंट है ये टोटल ऐड हो जाएगा। सीरीज में क्या था, करंट अक्रॉस द इंडक्टर सेम था, पैरेलल में ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर सेम होगा, ओके? सो यहां पे ये नहीं दोगे तो भी होगा। सो हियर टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। सो आई के लिए मैं लिख सकता हूं डी आई बाई डी टी, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी, ओके? सो इक्वेशन नंबर वन। So in parallel combination the total current adds up, I equal to I1 plus I2, okay? Also we know that in parallel grouping the EMF across
EMF induced across each inductor will be of same magnitude. So EMF E equals to, EMF E equals to minus L di1 by dt for the first inductor. Similarly, EMF E equals to minus L2 di2 by dt for the second inductor. So यहां से मुझको क्या मिलेगा, देखो ये L1 ले आओ, so E by minus L1 equal to di1 by dt. Similarly, E by minus L2 equals to di2 by dt. So अभी इसी को इक्वेशन नंबर वन में हम लोग पुट कर देते हैं. ये हो गया, मैं रफ करता हूं. मैं ये साइड रफ कर दिया. तो अगर इसी को इक्वेशन नंबर वन में पुट करोगे तो इसी को फॉलो करके जो टोटल करंट है I, उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे माइनस आएगा E, क्योंकि EMF तो सेम है, और यहां पे L1 आया, L2 आया, यहां पे क्या आएगा, L इक्विवेलेंट. सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, di1 की जगह मैं E by L1, E by L2 लिख सकता हूं, तो जो माइनस E है मैं वो कॉमन ले सकता हूं, और यहां पे आएगा 1 by L1 plus 1 by L2. So ये माइनस ई कैंसिल, देयरफॉर 1 by L equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2. So ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सर यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्यों नहीं आया, M क्यों नहीं आया. सो जब इसको लिखोगे, ठीक है, तब इसको यहां पे भी मेंशन करना, ये वाला लिखा ना विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ इंडक्टेंस, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखना, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप विद रेस्पेक्ट टू बोथ द कॉइल इज नेग्लिजिबल इन पैरेलल ग्रुपिंग. The mutual inductance developed with respect to both the coils is negligible with in parallel grouping. That is why we can continue in this way. जो mutual inductance है वो negligible है. देखो ये सब हम लोग ऐसे ही direct derivation करा रहे हैं. जब notes बनाओगे ना तो अच्छे से बनाना, properly बनाना, ठीक है. यहां तक लिखना, यहां पे लिखने के बाद ये नोट पे लिखना, दैट इन पैरेलल ग्रुपिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस डेवलप इज नेग्लिजिबल. सो देयरफॉर यहां पे वी नो दैट, ऐसे करके यहां पे लिखना. देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम लोग को फॉर्मूला मिला ना, अगर क्वेश्चन में हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करने नहीं देगा तो सीरीज में भी हम लोग जो एल इक्विवेलेंट है उसको ऐसे ही लिखेंगे, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, ऐसे ही. अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करना हुआ तभी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है. सिमिलरली ये जो पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग को फॉर्मूला मिला, ये तो मिल गया. हम लोगों ने क्या बोला, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो नेग्लिजिबल है. इफ देयर इज एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस, इफ देयर इज एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द कॉइल्स, विथ रेस्पेक्ट टू द कॉइल्स, इफ देयर इज एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द कॉइल्स, देन ये जो फॉर्मूला है एल इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus minus twice M. ठीक है, एक बार जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो पॉजिटिव लेना होगा, एक नेगेटिव लेना होगा. कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, मैं उसमें समझा दूंगा कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है. ओके, तो ये हो गया हम लोग का ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स का फॉर्मूला. क्लियर.